कौन है हाथरस वाले भोले बाबा, कहाँ हुआ इनका जन्म और कब से बने ये संत? हाथरस से पहले कहाँ होते थे इनके सत्संग? यूपी के कासगंज के रहने वाले सूरजपाल सिंह उर्फ साकार हरि उर्फ भोले बाबा की पूरी कहानी आपको बताएंगे और बताएंगे कि उस दिन डेढ़ घंटे चले सत्संग में आखिर क्या क्या हुआ। दरअसल ये वही बाबा है जो एक समय लाल बत्ती की गाड़ी में अपने सत्संग में जाया करते थे। जानकारी के मुताबिक एटा में जन्मे कासगंज जिले के पटियाली के रहने वाले ये भोले बाबा ने कई साल पहले पुलिस कांस्टेबल की नौकरी को छोड़कर भक्ति मार्ग का रास्ता पकड़ लिया था और लोगों के बीच जाकर सत्संग करना शुरू कर दिया था। इनका पहनावा भी सबसे अलग है। ऐसा कहा जाता है कि अधिकतर वो महंगे चश्मे सफेद पैंट शर्ट पहनना पसंद करते हैं। गरीब और वंचित तबके के लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी थी, इसलिए जहां कहीं इनका सत्संग होता है वहां पर भारी भीड़ जमा हो जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनके लाखों अनुयायी हैं। बाबा ने अपने पैतृक गांव बहादुर नगर में बड़ा आश्रम बना रखा है जहां पर हर महीने के पहले मंगलवार को सत्संग होता है। बाबा आश्रम में हो या ना हो भक्तों का हुजूम लगा रहता है। एससी एसटी और ओबीसी वर्ग में इनकी गहरी पैठ है। बाबा खुद जाटव समाज से आते हैं। एससी एसटी और ओबीसी वर्ग में उनकी गहरी पैठ इसलिए भी है और दूसरी चीज, मुस्लिम भी उनके अनुयायी इसी वजह से है। यूट्यूब चैनल पर 31,000 सब्सक्राइबर भी हैं। इनके स्वयंसेवक गुलाबी रंग की यूनिफॉर्म में सत्संग स्थल से लेकर शहर की सड़कों पर तैनात रहते हैं। आगरा में कोठी मीना बाजार मैदान, सेवला के पास शक्ति नगर मैदान, आवास विकास कॉलोनी दयालबाग और साथ ही शास्त्रीपुरम के पास सुनारी में नारायण सरकार हरि का सत्संग हो चुका है। खास बात यह है कि इंटरनेट के जमाने में अन्य साधु संतों और कथावाचकों से इतर ये सोशल मीडिया से दूर है। बाबा के कोई आधिकारिक अकाउंट किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। कोरोना काल के दौरान प्रतिबंध के बावजूद भी भोले बाबा हजारों की संख्या इकट्ठा करके चर्चा में आए थे। हाथरस के मुगलगढ़ी इलाके स्थित फुलरई गांव में मानव मंगल मिलन समागम समिति ने नारायण सरकार विश्व हरि के नाम से प्रसिद्ध भोले बाबा का ये प्रवचन कार्यक्रम रखा था। इसमें तकरीबन लाखों की भीड़ जुटी। कार्यक्रम स्थल पर प्रशासन की परमिशन से ज्यादा अधिक लोग पहुंच गए थे। इसी बीच वहां भगदड़ मच गई जिसमें खबर लिखे जाने तक 121 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। 2 जुलाई 2024 समय सुबह लगभग 11 बजे बाबा नारायण सरकार हरि यानी भोले बाबा की एंट्री समागम में हुई। जनता के पंडाल से अलग एक रास्ता बाबा के लिए बनाया गया था जहां से उनकी गाड़ियों की एंट्री होनी। करीब 11:30 बजे लोगों से अभिवादन स्वीकार करने के बाद बाबा का सत्संग शुरू हो गया। स्टेज पर बाबा और उनकी धर्मपत्नी एक साथ बैठे हुए थे। बाबा ने अपने अनुयायियों को जो संदेश देना था वो दिया और करीब 1.5 घंटे सत्संग चलने के बाद आखिर में चलते चलते यानी करीब 1 बजे बाबा ने माइक में यह अनाउंस कर दिया कि जाते जाते मेरे चरण रज लेते जाना और कोई भी परेशान या बीमार व्यक्ति को लगा देना या खुद लगा लेना जिससे आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ये कहकर भोले बाबा की आरती की गई और उसके बाद बाबा सत्संग से अपने गाड़ियों के काफिले के साथ बाहर की ओर निकल गए। लेकिन क्योंकि पंडाल से दूर ये रास्ता बनाया गया था तो लोग उस रास्ते की ओर बाबा की चरण रज लेने के लिए दौड़े, जिसके बीच बारिश के पानी से हुई कीचड़ थी। एक लगभग 8 फीट गहरा गड्ढा था जो बारिश के पानी से भर चुका था और साथ ही पार्टीशन के लगाई गई बांस की बल्लियां मौजूद थी। जैसे ही पब्लिक यहां तक पहुंची तो कुछ बच्चे नीचे गिर गए जिन्हें बचाने के लिए उनकी माँ यानी कि महिलाएं गिरी और लोगों के चरण रज लेने की होड़ में दौड़ते पांव उन्हें कुचलते चले गए। भीड़ कुछ इस तरह से उमड़ी कि भगदड़ मच गई और फिर कोई खेत के किनारे गिरा तो कोई बारिश के पानी से भरे गड्ढे में जा गिरा। इस गहरे गड्ढे में से पुलिस ने कई शवों को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने सभी शवों को अस्पताल पहुंचाया लेकिन इस मंजर ने लोगों को हिला कर रख दिया। खबर लिखे जाने तक 121 मौतें कंफर्म हो चुकी थी। 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना मिल चुकी थी। FIR में बाबा का नाम नहीं होने की कहानी पता चल चुकी थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीड़ितों से मुलाकात की तस्वीरें सामने आ चुकी थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में स्थित फुलरई गांव में एक धार्मिक समागम में मंगलवार को जो भगदड़ मची उसके बाद की तस्वीरों ने सभी के दिल को झकझोर कर रख दिया। यहाँ हजारों की संख्या में लोग सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे लेकिन उन्हें कहां पता था कि जिस सत्संग में शामिल होने वो जा रहे हैं उस सत्संग के बाहर मौत उनका इंतजार कर रही है। हाथरस के सिकंदरा राव में जो कुछ हुआ उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। हाथरस जिले में मंगलवार को स्थानीय अस्पताल में शव बिखरे पड़े हुए थे जबकि उनके चारों ओर इकट्ठा लोग आंसू पोंछ रहे थे और एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। जिले के सिकंदरा राव ट्रॉमा सेंटर के बाहर दिल दहला देने वाला नजारा देखने को मिला जहां कुलराई गांव में सत्संग में हुई भगदड़ में मृत या बेहोश पीड़ितों को एम्बुलेंस, ट्रक और कारों में लाया गया था। अब कहीं पुलिस को दोषी बताया जा रहा है, कहीं सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है, कहीं भोले बाबा की गलती तो कहीं लोगों को गलत बताया जा रहा है, परंतु स्थिति और मंजर और तस्वीरें
आप सभी ने देखी, पूरी कहानी मैंने आपको बताई जो कि सभी चैनल वेबसाइटों द्वारा इकट्ठे किए गए डेटा अनुसार थी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आप किसको इसमें दोषी मानते हैं हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें, क्योंकि ऐसी ही और तमाम खबरें आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद।